इतना एक बहुत बड़ा मिथ होता है लोगों को, जिस चीज को मैं बता चुका, मतलब मेरे साथ ऐसा रियल में हुआ, रियल में ये हुआ, मैंने सीयूईटी पे एक वीडियो अपलोड करा और मैंने उसमें बताया कि भैया आपके पास मैथ्स है, आपके पास नॉन मैथ्स है, आप ऐसा जैसे जा सकते हो सीयूईटी के बाद, आप जा सकते हो। पहले नॉन मैथ्स पे इशू था, अभी ऐसा नहीं है, आप जा सकते हो, चाहे आप मैथ्स हो चाहे आप नॉन मैथ्स हो। अब मेरे पास एक डीएम आया, बहुत बढ़िया शानदार, सुबह ही मैंने डीएम पढ़ा, मैंने कहा अच्छा, उस पर लिखा है सीधा एक बच्चे का आया, सर आपने सीयूईटी पे वीडियो बताया था उस पर आपने जानकारी गलत दे दी हमें। मैंने कहा भाई मैंने कौन सी जानकारी गलत दे दी? तो ही वॉज लाइक कि नहीं, मेरे काउंसलर ने बोला है, हमारी ऑफिशियल स्कूल के काउंसलर है, उन्होंने बोला है कि एसआरसीसी में नॉन मैथ्स का एडमिशन नहीं होता। तो आप बताओ, आप एसआरसीसी में रहे हो, क्या नॉन मैथ्स का एडमिशन होता है? जब तक मेरिट बेस्ड एडमिशन थे तब तक यही होता था कि मैथ्स कंपलसरी है ही है, आपको लेनी पड़ेगी। अब सीयूईटी एनईपी में ये अलाउड है कि आप एक आपको डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, विच इज इंग्लिश ज्यादातर जो लोग ऑप्ट करते हैं, मैथ्स और अकाउंट्स में से कोई एक चीज होना चाहिए, और उसके बाद दो मेन सब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट वन जो लिस्ट बी में है। तो नॉन मैथ्स मतलब जो भी हमारे नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश ले लें, अकाउंट्स और मैथ्स में से एक, जो भी नॉन मैथ्स है तो अकाउंट्स ही लेंगे, और दो कोई भी वो अपने डोमेन्स ले सकते हैं। तो नॉन मैथ्स का एडमिशन एसआरसीसी में होता है।